नमस्कार। इस समय हम जम्मू मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर है। जिस तरह से दो तीन दिन पहले की अगर बात करें, हमने आपको बताया था किस तरह से जगदीश राज पर हमला किया गया था और उसके बाद जगदीश राज की कल यानी जान चली गई है। और इस समय आप देख रहे हैं, आप पूरा गांव एकत्रित हुआ है और उसी के चलते इस समय बताना चाहेंगे गाँव के जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ यहाँ पहुंची हो, पूरा गाँव यहाँ एकत्रित हुआ है क्योंकि इंसाफ मिलना चाहिए जगदीश राज और उसके परिवार को, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी कि जिन लोगों ने इतना यानी कि ये कहेंगे एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि जगदीश राज की उम्र 18 वर्ष थी, बड़ा ही सीधा साधा भोला भाला बच्चा था अपने माता पिता का और कई सारी उम्मीदें थी कि आने वाले समय में उनकी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। वहीं पर ऐसे लोगों ने, एक बकरी उनके खेत में चलेगी और कितने जालिम लोगों ने उसे कितना से बर्बरता के साथ काट डाला। 3 दिन वो यहाँ पर रहा अस्पताल में वेंटिलेटर पर, वो सरवाइव नहीं कर पाया। एक दुखद समाचार है पूरे परिवार के लिए, उस पूरे एरिया के लिए कि ऐसे लोगों को, ऐसे रोपियों को इस तरह की सजाएं मिलनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की घटना करना तो दूर सोच भी ना सके। बताना चाहेंगे ये मामला जो पिंडी सरोचा जो कि अरनिया का मामला है और पुलिस ने फिलहाल 2 मुख्य आरोपियों को दबोचा हुआ है और जिसमें बताना चाहेंगे 2 मुख्य आरोपी है जगमोहन पुत्र प्रकाश चंद निवासी पिंडी सरोचा अरनिया और आशु देवी पत्नी जगमोहन, यानी एक महिला भी वहां पर थी, महिलाएं भी थी। शर्म आनी चाहिए, अरे आप भी किसी की माँ है, आपका भी बच्चे होंगे, अपने बच्चे को अगर खरोच भी आ जाए तो आप तो आसमान जमीन कर देते हैं। तो जिसको सामने खड़े होकर आपने मारा है, उसे बीच में खड़े होकर संलिप्ति आपकी हुई है, वो भी तो किसी माँ बाप के जिगर का टुकड़ा था। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि हम भी जो FIR नंबर पूरी आपको डिटेल देते हैं, बताना चाहेंगे आपको 24 जुलाई 2024 को पुलिस स्टेशन अरनिया में FIR संख्या 40/2 धारा 109 BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम जगदीश राज पुत्र मनोहर लाल निवासी पिंडी सरोचा पर हमला करके बेरहमी से उसे घायल कर दिया गया था और बाद में कल की अगर बात करें तो उस जगदीश राज की जान चली गई थी। और यहां पर लेखनी करना उचित है कि पुलिस ने घटना में शामिल 2 मुख्य आरोपी पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और बाकियों की जो है तलाश अभी जारी है। हम उम्मीद करते हैं SP जो है इशाद राठौर बड़े ही काबिल ऑफिसर है और फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि अपनी टीम को ये हिदायतें देंगे कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी उस घटना के समय उस क्राइम सीन में मौजूद थे और जिन्होंने यानी कि जिनका जगदीश राज की हत्या करने में बराबर का हाथ था। आज देखिए पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित है, इसलिए एकत्रित है कि जगदीश राज को इंसाफ मिलना चाहिए। उस पिता की आंखें देखिए, उस पिता की आंखें देखिए, उस पिता का दर्द साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए पिता और जनकराज चौले का जिन्हें मेरा बेटा मरवाया, सब पिछले दिन कार्रवाई की है, पीछे से मतलब हाथ देकर मेरे बच्चे को कटा के फेंक दिया। पहले उसने मतलब कि मिट्टी डाला, फिर उसने नाला भरा, हमारा पानी रोका, बहना बना कर मेरे बच्चे को ना उसने मार मरवा दिया। मास्टर माइंड जनकराज है, सन ऑफ तारा चंद उनका बाप जी, यानी वही सारा कारोबार उसका। हम आपका दर्द समझ सकते हैं, हम आपके साथ हैं और पुलिस को भी यही आला अधिकारियों से भी यही निवेदन किया है कि पूरा इंसाफ मिलना चाहिए जगदीश को और आप जगदीश के परिवार को। मम्मी कहाँ, उसके मम्मी भी बैठे हुए हैं, बैठे उनको भी बैठे, मत उठाओ उठाओ, बैठो आप उधर ही, आप उधर उधर ही बैठो। मम्मी कहाँ उसकी, देखिए माँ की बेचारे की हालत देखिए, हिम्मत रखिए आप, हिम्मत रखिए। देखिए वो बच्चा, हम समझ सकते हैं आपके दर्द को, बिठा दो इनको, नहीं उठाओ ना प्लीज, ध्यान हिम्मत रखो ना, हिम्मत रखो आप, फ्रेंड का माँ बेटी का देखिए माँ, देखिए कितने शरीफ लोग हैं, कितने कितने गरीब लोग हैं, देखिए किस तरह से आज एक
पूरे गांव आज एकत्रित हुआ, क्योंकि नहीं पता गलत हुआ उस परिवार के साथ गलत हुआ है कि जगदीश राज जिसका कोई कसूर भी नहीं था उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस समय ये दिल दहला देने वाले दृश्य हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम से दिखा रहे हैं। जगदीश राज का परिवार आज पूरा गांव इकट्ठा है, जगदीश राज की यानी कि उसे याद कर 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 रो रहा है, क्योंकि जगदीश राज अब वापिस कभी लौट कर नहीं आएगा। जगदीश राज के हथियारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसीलिए आज पूरा गांव यहां पर एकत्रित है। पिंडी सरोचार अरनिया क्षेत्र में आए दिन, अरनिया क्षेत्र सुर्खियों में रहता है, आए दिन इस तरह के अपराध की घटनाएं सामने आती हैं। चार गांव के लोग आए हैं इधर, चार गांव आए हैं, मूला जाग के, पिंडी सरोच अंगला के, जवानगढ़ कैंप के और नवाबाद के, जंगवाल के, चार पांच गांव आए हैं। हाँ जी, किस तरह की ऐसे लोगों की हौसले बुलंद है, किसी के भी बच्चे को मार के? हाँ, वो कर सकते हैं, अपनी मर्जी करते हैं लोग। किस तरह की सजाएं होनी चाहिए ऐसे लोगों? इनको कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। मैडम इनके बेटे को भी फांसी दो, बेटे दो लोगों को पकड़ा है, दो लोगों को पकड़ा, बाकी की तलाश पता नहीं, पकड़ा है नहीं पकड़ा हमें कोई पता नहीं है, जब देखेंगे तब पता चलेगा। चाहिए सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो हर वक्त आपने हमारा साथ दिया, और हमको इंसाफ चाहिए। बकरी के पीछे लड़के को काट दिया, ये कौन सा इंसाफ हो गया है? ये गरीब की कोई सुनते हैं ये लोग? ये गुंडागर्दी बड़ी, यही तो गुंडागर्दी है। तो हमको इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जैसा हमारे लड़के साथ हुआ ऐसा उनके साथ होना चाहिए। अगर उनको पुलिस कुछ नहीं कर सकती फिर हम करेंगे, जैसे उसने हमारे कटा हम ऐसा काट देंगे, फिर वही होगा। इंसाफ चाहिए, सीधी बात है, आज ही चाहिए हमको। साफ तौर पर कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उस बच्चे को 18 साल के बच्चे को बेरहमी से काट कर फेंक दिया गया, क्या ये इंसानियत है? ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हरकत की गई है, जिन्होंने उस बच्चे को 18 साल के जगदीश राज को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कहने पर मजबूर कर दिया। धरना मारेंगे और वो दिन दूर नहीं जाता, जम्मू का जिला खराब करेंगे, जम्मू पुल रोकेंगे, सानू इंसाफ चाहिए। श्यामलाल भगत जी, ये पहली घटना नहीं हुई है, आए दिन हमने पिछले हफ्ते में कुछ चार घटनाएं कर दी हैं। लोगों के इतने दिल बड़े हुए इन अपराधियों के, किसी को भी मार के काट के किसी की हड्डियां तोड़ के फेंक देंगे, उन्हें किसी का ना कानून का डर ना पुलिस का डर है, क्या कहेंगे जी? पहले बात तो ये है, मैं पहले भी बता दिया ये मीडिया वाले को कि आज ये पिंडी सरोचा की बात नहीं है, कुछ दिन पहले ग्रेटर क्लास की हुई, कुछ दिन पहले मीरा साहब की हुई, कुछ फिर नंदपुर की, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब क्राइम नहीं बढ़ रहा है। मैं एलजी साहब से, महोदया से ये बात करना अपील करना चाहता हूं कि जब तक पुलिस डिपार्टमेंट सख्ती से जो लोगों को दायरे में ना लाए और सजा ना मिले, ये लोगों को शेल्टर मिलती है, शेल्टर कौन देता है? पुलिस डिपार्टमेंट देती है। आज जगदीश राज नहीं पूरा हुआ है, कल किसी दूसरे बेटे का भी इंतजार कर रही होगी पुलिस, फिर ये कार्रवाई करेंगे? मैं वार्डर होने के नाते ये आज सियासत का मौका नहीं, हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। मैं आपके माध्यम से जो लोगों से अपील करना चाहता हूं कि खासकर एलजी से मोदी से करना चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो भी क्राइम होता है सख्ती से सख्ती, 24 घंटे अभी हो रहे हैं लेकिन दो अभी घर वाले गुहार लगा रहे हैं कि चार पांच आदमी हैं जो क्राइम करने वाले हैं, अभी तक पुलिस ने कोई आश्वासन नहीं उनको दिया कि कब गिरफ्तारी होगी। आज ये बिहार बन गया है, पहले बिहार में सुनते थे कि रोज ये क्राइम बढ़ता जा रहा है, जब से ये ड्यूटी बनी है तब से ये क्राइम कोई दिन जाता नहीं है कि जब ये क्राइम नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, एकजुट हो जाओ। ये जब बात बोनी है कि आज इस जगदीश राज का बेटा है, ये हमारा भाई था छोटा, आज हम परिवार के साथ हैं, जब तक हमें इंसाफ नहीं होगा हम धरने पर बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पूरा बॉर्डर, वो दिन दूर नहीं कि जब हम जम्मू का ग्राब करेंगे और पुल बंद करेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। जो है हेडक्वार्टर खुद इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं, पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, पूरे तथ्यों को निकाले और दो लोगों को गिरफ्तार किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो समय क्राइम सीन के समय मौजूद थे। मैडम जी, जब भी क्राइम होता है
तभी जे व्यू जे आते हैं। मैं तो जे अपील करना चाहता हूँ एसपी साहब से, अभी भी मेरी बात हुई है, मैंने उनको बोला है कि तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे जब तक हमारा मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा। उन्होंने आश्वासन दिया है, बन गया है, अच्छी बात है, ऑर्डर आ गया है। लेकिन ऑर्डर चलो ठीक है, मैंने बोला कि अभी तक हमारे पास नहीं था, लेकिन हमने उनको भी बोला है। लेकिन मैं जे एसपी साहब से अपील करना चाहता हूँ, एसएसपी साहब से भी अपील करना चाहता हूं, अपनी जितनी उनकी फोर्स है उनसे भी ये अपील करना चाहता हूं कि कम से कम ये जो क्राइम है, क्राइम क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि अगर जिस गवर्नमेंट एक तरफ बोलती है कि हम हर मतलब डिपार्टमेंट पर ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन एक यही मतलब जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये डूला है, जब क्राइम होता है, जब किसी की डेथ होती है, उसके बाद ये बोलते हैं कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैं ये अपील करना चाहता हूं, ज्यादा बातें करने का आज वक्त नहीं है। हमारे रामलाल जी बता दें, आपको जनता को बता देंगे, ये बोर्ड जो गठित हो गया है डीसी जम्मू की, ये परमिशन है, अब बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद अगली कार्रवाई होगी, आप भी देख लीजिए श्याम जी। ठीक है मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस कदम को हम पुलिस का अच्छा कदम कहते हैं, ये बात नहीं है कि जो अगर हमारी सहायता करेगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो जगदीश राज बच्चा आज दुनिया में नहीं रहा है उसका इंसाफ होना चाहिए। जो भी आदमी, मैंने बोला चाहे वो कितना भी ऊंचा बड़ा पद का हो, लेकिन हम उस दिन तक तब तक हम आराम से नहीं रहेंगे। अन्याय में क्यों इस तरह के क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है? क्योंकि लगातार मैंने बोला ना, एक लेडीज को नंगे करके पीटा गया वहाँ, मारा गया, मैं सब वहाँ मुख्यक्षर बनकर खड़े रहे वहाँ जी, तो उस लेडी को भी पुलिस स्टेशन में हरासमेंट हुई। मैंने मैडम जी आपसे पहले रिक्वेस्ट की है कि ये जितनी भी नाम कमी है ये पुलिस डिपार्टमेंट की है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट एक भी सख्ती से अगर कदम उठाए तो मैं वो दिन दूर नहीं, क्योंकि लोगों के दिल में मैडम जी डर की नाम की कोई चीज ही नहीं है। जैसे आदमी एक मूली को काट देता है, जैसे एक मुर्गे को काट देता है, ऐसे ही आदमी की एक दिन छोटी सी जिंदगी लोगों ने रहने देती है। लेकिन मैं बार बार अपील करना चाहता हूं कि इतना काम हाथ जोड़कर कराता कहना चाहता हूं पुलिस डिपार्टमेंट से कि इतना काम अभी हालाके से बर्दाश्त नहीं होगा, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर शिकंजा कसे, क्योंकि मैंने बार बार अपील करता हूं, आज हम अपील कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला बहुत दिन दूर नहीं, हजारों की तादाद में हम इस पुल का ग्राफ करेंगे जो पुलिस डिपार्टमेंट अगर जागा नहीं तो हम जगाएंगे। हम लोग किसान हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं, बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले ये नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारी जब कोई आदमी कैजुअलिटी होती है उसके बाद बड़े अफसोस से कहते हैं कि हम जो आपका काम कर रहे हैं हम जल्दी से जल्दी रेस्ट करेंगे। जल्दी रेस्ट करने का वक्त नहीं है, उस माँ को पूछो, उस माई के भाई के बहन को पूछो, उसके बाप को पूछो, उस ग्रां को पूछो, मेरे हल्के को पूछो, आज पूरे घर में, पूरे घर घर में मातम छाया हुआ है, चार गांव यहां पर एकत्रित होकर है। बिल्कुल, हम पूरे सपोर्ट में, मैंने आज बोला कार चार गांव है मैडम जी, बहुत दिन दूर नहीं 106 गांव है मेरे बॉर्डर का। क्या अरनिया पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, या कोई उनके ऊपर कोई दबाव है किस तरह का? सर दबाव तो मैंने तो बोलता हूँ कि दबाव होगा, अगर दबाव नहीं होगा तो ये अरनिया क्यों नहीं, मतलब अरनिया ही ठाना रह गया क्राइम के लिए। मैं तो ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने बोला कि ये पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी है, कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट एक भी अगर सख्ती से जो कदम करे तो मैं बोला कि क्राइम अभी क्राइम राम की किसी आदमी के पास, किसी क्रिमिनल जो लोग कर रहे हैं उसके पास डर नाम की कोई चीज नहीं, इसकी ढील है, इसलिए लोगों बिल्कुल पुलिस की ढील है। इससे पहले भी इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत कम सर होते होंगे, लेकिन हमने नहीं सुना था। हम भी 5 साल से सरपंची कर रहे हैं, लोगों की जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने बोला जब से ड्यूटी बनी है, खासकर जब से ड्यूटी बनी है उससे जो क्राइम बढ़ा है, इसके मैं बोलता हूँ अपील करना चाहता हूँ, एलजी मोदी से अपील करना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी अमित शाह से अपील करना चाहता हूँ कि इस क्राइम को अगर रोकना है तो पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ बांधने नहीं चाहिए, निष्पक्ष होकर उन्होंने पुलिस ने डिपार्टमेंट ने काम करना चाहिए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करा है, उन लोगों को जिन्होंने इस तरह की वारदात को वहां पर अंजाम दिया सर, वो उन्होंने फॉर्मेलिटी की है। इस समय आप देख रहे हैं चार गांव के लोग यहां पर एकत्रित हैं, इस समय एसपी जो है हेडक्वार्टर इरशाद जी भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, पूरा पुलिस का अमला यहाँ मौजूद है और बड़े ही काबिल ऑफिसर हैं, उन्होंने आश्वासन दिलवाया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी उस घटना में शामिल होंगे। चलिए इरशाद राठी जी से बात करेंगे। सर ये बड़ी अनफॉर्चुनेटली घटना है और जो आपके एरिया में घटित हुई है, आज चार गांव के लोग यहाँ एकत्रित हैं, क्या कहेंगे इस केस को लेकर, और जिन जो आरोपियों ने ये घटना को अंजाम दिया उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह की सजाएं होंगी? सबसे पहले लोगों को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि पुलिस प्रोफेशनली अपना काम कर रही है और इस मसले का बड़े तरीके से संज्ञान लिया गया है। पहले अटेम्प्ट मर्डर में FIR नंबर 40 पुलिस स्टेशन अरनिया में रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद इसको कत्ल के मुकदमे में चेंज किया गया है। तो जो बेसिक इसमें मुलजिम थे दो,
जगमोहन और उसकी बीवी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बयानात कलमबंद होने के बाद सारी चीज़ें, मतलब हम हर चीज़ पर एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब जो एविडेंस बेसिस पे होगा, जो जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इंसाफ किया जाएगा। बिल्कुल सर, ये लोगों का कहना, हमारा नहीं कहना कि अगर अरनिया की, बाकी तो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं सब जानते हैं, पर अरनिया पुलिस स्टेशन की बात करें तो उस एरिया में लगातार बढ़ती अपराधी घटनाओं को कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जहाँ पे वो जो तंत्र बिठाया हुआ उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही साफ नजर आ रही है। अगर किसी की लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन इस साल मैं आपको इतना यकीन दिला दूं कि ये ऐसा पहला वाका हुआ है जिसमें किसी की जान चली गई है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि लोग मतलब अगर बात कर रहे हैं तो वो एनालिसिस के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि इस साल में अरनिया पुलिस स्टेशन में ये ऐसा पहला वाका हुआ है जब लोग मतलब आपने एक असाल्ट एक लड़के पे किया तो उसके बाद उसकी जान चली गई। तो मतलब हम संज्ञान लेंगे, अगर कोई कोताही होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इतना है कि हम लोगों से अपील करते हैं कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले, पुलिस के साथ सहयोग करें, स्टेटमेंट्स उनके, उनको जितने भी इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन है वो पुलिस तक पहुँचाए, अपनी स्टेटमेंट्स अच्छे से रिकॉर्ड करें, और हम इसमें किसी को नहीं बख्शेंगे, उन जो भी मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। यानी पहले 109, 103, अब 302 में इसको कन्वर्ट कर दिया। जब आईपीसी के हिसाब से 302 तो अब ये 103 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में 103, पहले 109 जो अटेम्प्ट मर्डर था, अब इसके तहत अगर किसी इस तरह की होती तो इसके तहत या तो आजीवन कारावास या डेथ पेनल्टी का। बिल्कुल है, लेकिन ये आप जैसा आप समझ सकते हैं कि सख्त कानून इसमें है, मर्डर केस है, तो लेकिन कॉपरेशन लोगों की जरूरत होती है, उनके स्टेटमेंट की जरूरत होती है, जितना वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे उतना अच्छे से केस बनेगा, उतना अच्छे से केस ये कल चालान होके जज साहब के सामने जाते हैं, कोर्ट के सामने जाते हैं, तो उसी हिसाब से फिर मुजरिमों को सजाएं भी मिलती है। तो लोगों को मैं अपील करता हूं कि वो अपने जज्बात पे काबू रखे, पुलिस पे भरोसा रखे, विश्वास रखे, सीनियर ऑफिसर्स मैं इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूं, और इस केस को हम पूरे अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करते, जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसके उसको कानून के मुताबिक हम मतलब कार्रवाई करेंगे और गिरफ्तारियां होगी, सजाएं भी हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। जिस तरह से आप जानते हैं 3 नए कानून आने के बाद सजाएं भी सख्त हो चुकी हैं, और जिस तरह से पहले था 302 अब वही बदलकर भारतीय न्याय संहिता के तहत 103 पर उसे कन्वर्ट किया गया, जिसमें साफ तौर पर अगर किसी की जान हत्या की जाती है डेथ पेनल्टी या आजीवन कारावास यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है। और साफ तौर पर एसपी हेडक्वार्टर जो है इरशाद आरते जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो भी जिन्होंने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जो भी उसमें मुलविस होंगे उन्हें पूरी तरह से कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और उसी के मुताबिक उन्हें सजाएं भी होगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर किसी पुलिस अरनिया पुलिस स्टेशन में किसी की भी ढील नजर आती है उन पर भी कार्रवाई होगी। चलिए यहाँ पर फिर से पहुंच चुके हैं सनी कांत, ये सबसे पहले ये इन्होंने यहाँ पर आकर परिवार का साथ दिया था। सनी जी अल्टीमेटली ये कहेंगे दुख की घड़ी है कि कल जो कि यानी कि जगदीश राज की जान चली गई है, क्या कहेंगे? देखिए बहुत अफसोस की बात है, हमारी आंखों में आंसू है वो बाहर नहीं निकाल सकते, दिल के अंदर काफी दर्द है कि मासूम बच्चे की किस तरीके से मर्मम हत्या की, और हत्या के बाद वो दोषी अगर उनको पकड़ा नहीं जाएगा तो हमें हमारे अंदर रोष है, उस रोष को प्रकट करने के लिए आज तमाम गांव के लोग यहां पे एकत्रित हुए हैं, और जो भी इसमें मर्डरिस्ट या जो भी इसमें कल्प्रिट पाए जाएं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो भी 3 लोग हैं इनमें मेन उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उनको भी फांसी लगाई जाए, क्योंकि एक मासूम बच्चा जो बेचारा एक नायिका बार्बर शॉप पे काम करने वाला जो एक मैं कहता हूँ पतला सा छोटा सा चिड़ी तक नहीं मार सकता, उसके साथ इस तरीके का जो व्यवहार किया है वो बहुत गलत है। हम यहाँ पे जो एसपी साहब यहाँ पे आए हैं इन्होंने काफी टाइम पहले से हमारे साथ कोऑपरेट किया है, और जितना हो सके आगे भी इनके इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोऑपरेट करें, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में आप हमारा साथ दें, क्योंकि लोगों के अंदर काफी रोष है, और इस रोष को संभालने के लिए और अगर कार्रवाई करवाने के लिए आप हमारा प्रॉपर साथ दें, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर उनके उन गुनहगारों को अगर आपने सजा नहीं दिलवाई तो हमारे से बुरा कुछ नहीं होगा। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया आप तो 302 पहले था, अब 103 हो गया मर्डर का केस, वो उसको कन्वर्ट कर दिया मर्डर में, और साफ तौर पर जो इरशाद राठौर जी एसपी हेडक्वार्टर उन्होंने साफ तौर पर कहा कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सजाएं भी होंगी और उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। देखिए सजाएं ये नहीं कि 6 महीने के बाद वो जेल से बाहर आ जाए, उनको आजीवन कारावास होनी चाहिए, जेल के अंदर वो सड़ने चाहिए, जेल से बाहर नहीं आना चाहिए।
आई है, किसी बच्चे की जान गई है, किसी का चिराग घर का बुझा है, उस चिराग को जो है बुझाने वालों को बहुत ही बुरी जो है उनके साथ कार्रवाई जो है होनी चाहिए, नहीं तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एसपी साहब से भी बात भी करेंगे कि वो क्या कहना है उनका। पुलिस ने अपने बचाव के लिए उन लोगों को अंदर किया है जो मेन अक्यूज नहीं है, जो मेन अक्यूज गारीराम है और दो बंदे और हैं, उनको तीनों को अंदर करना चाहिए था, जो कि बच्चा मर भी गया अभी तक उसको अंदर नहीं कर सके। परसों एसएसपी शायद बड़े बड़े अफसरों ने बोला आपसे, ह्यूमन राइट्स की तरफ से इनको फोन किया था, इन्होंने फोन किया था सनी सर ने, चिप साहब ने, तो इन्होंने बोला कि हाँ जी वो अरेस्ट हो गए हैं, मगर मेन बंदे अरेस्ट नहीं हुए। और जनता देखिए कितनी जनता आई है, ये जनता झूठ ही तो रही है, एक बच्चे के साथ गलत हो रहा है, कल किसी के बच्चे के साथ गलत होगा। तो गांव उठ गया, ये मेरी प्रार्थना है कि जरूर जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे, नहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट दोषी होगा इसका, गलत बात है। धन्यवाद। आप देखिए लोगों में रोष भी है, गुस्सा भी है कि आखिर कैसे ऐसे अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है, जो खुलेआम किसी भी किसी के भी भाई बेटे को मार कर काट कर फेंक देते हैं। भी क्या कहोगे जिस तरह से जगदीश राज को काट कर फेंक दिया, निर्मम हत्या की, अब तो हत्या का मामला दर्ज हो चुका है, दो आरोपी पकड़े गए हैं, तो एसपी साहब भी यहाँ पहुंचे हैं, कहते दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, आपका क्या? मैम बख्शा नहीं जाएगा, इनका बहुत बड़ा जिगरा देख रहा हूँ मैं इस माँ बाप का, अगर हमारी मैं होता ना इनकी जगह इस केस तो मैं मानता ही नहीं, ठोक देता साला, बच्चा भी नहीं छोड़ता, ठीक है सीधी सी बात है मेरे पास। उनको पूछो क्या हालत है उनकी, जो बकरी चरा के अपना घर चला रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, इतना गांव आया उनके साथ, चार गांव आए हैं ना, अगर उसमें कोई ऐसी कोई कमी होती तो आता कोई पीछे, कोई नहीं आता। आज सच्चाई बोलने के लिए ना दिल चाहिए और सुनने के लिए भी, आज झूठ ज्यादा चल रहा है, सच्चाई कम, जो सच अपने घर में बोलेगा ना अपने परिवार में वो परिवार भी उसका दुश्मन हो जाएगा, ठीक है मैम। इनको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी नहीं तो पुलिस वालों को बोलो हाथ खड़े कर दो, बाहर निकाल दो बस, अभी की मेरे उनके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है जिनके साथ ये काम हुआ है, इंसानियत के नाते छोड़ उसको बाहर निकाल, ठीक है ना, फिर देखते हैं लड़ना किसे बोलते हैं। चलिए समय शुक्र है, तरनजीत सिंह टोनी जी भी यहाँ पहुंचे हैं, तीन दिन के बाद यहाँ पहुंचे हैं। टोनी जी आप तीन दिन के बाद यहाँ पहुंचे, आप ही का एरिया क्षेत्र रेगुलर इन टच है, हमारा ग्रेटर क्लास मर्डर केस जो है उसमें भी हमारा बड़ा है, वो फाइनल स्टेज पे है, ग्रेटर क्लास मर्डर केस का चलान होने वाला है, और ये अपने है सारे हमारे अपने, मेरी एक बात सुनिए रश्मि जी, ऐसे सुने हम डॉक्टर नहीं थे, नहीं आपका सवाल है लेकिन पहले आप ध्यान से सुन लें, आपका ध्यान आप ध्यान से सुने, ये मेरे अपने लोग हैं और इसको हम मेरी एक मेरी मुझे थोड़ी मुझे पूछ के मारा है सवाल में मेरी, नहीं आप पूछे लेकिन एक और बात सुने ध्यान से सुने, आप मेरे लोग हैं वो, तो तीन दिन से कहाँ थे, तो तीन दिन से हमारा चलान पेश होना का हमारा वो दूसरा जहाँ ग्रेटर का मर्डर क्लास है, जो लोग आए बेवकूफ हैं जो उनके साथ खड़े हैं सर, देखे रश्मि भी आप अपनी लैंग्वेज देखें, मेरी एक बात सुने ध्यान से, देखे मेरी बात सुने, इसको सेंसरशिप कड़वे सवालों की बात नहीं है, हम परसों से ये जो लोग हैं हम रेगुलरली इन टच है, हमने रेगुलरली इन टच है पुलिस हमारे, देखे आप अगर जवाब देंगे कि नहीं, आप जवाब लेने देंगे आपके सवाल, आप मेरी एक बात सुने ध्यान से जरा, अब आप खामोशी से सुने, ये लोग मेरे नहीं नहीं आप सुने जरा, आप नहीं आप करें, हम एक और कड़वे सवाल सुनेंगे लेकिन एक और ध्यान से सुने, ये कत्ल जो हुआ है इसकी हम सख्त निंदा करते हैं, और ये जो अगर कसूर हुआ है किसी का तो ये पुलिस की नलायकी है, जो रोज कत्ल हो रहे हैं और आज तक कत्ल उसके ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा, और जो लोग थानेदार जिनके इलाके में कत्ल होते हैं उन लोगों को तब्दील किया जाए, हम अपील करते हैं एसएसपी और आईजी से डीजी से कि उन लोगों को तब्दील करें जिन इलाकों में कत्ल होते हैं, वो एसएचओ वहां नहीं रहने चाहिए, ये उन लोगों की नलायकी है, ये जो लोग ये एक छोटी सी बात में कत्ल हुआ है, मैं कहता हूं कि उन लोगों के ऊपर गाज गिरनी चाहिए, हम ना हम वो लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, हमारी खुद की जान थ्रेट के अंदर है, हमारे ऊपर लोग कर रहे हैं, ग्रेटर क्लास मर्डर केस में आप पूरे जम्मू विभाग में देखे कितने नेता हैं, कितने ने आवाज उठाई, कितने लोग चले, इनके लिए भी इंसाफ के लिए जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे,
लेकिन लोगों को पता है मेरा मैं कहां तक खड़ा हो सकता हूं। और आपका सवाल अपनी जगह जायज होगा, लेकिन हम अपनी जगह जायज हैं। आज भी मैं कह रहा हूं, मैं अभी भी नहीं 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 नहीं, आपको पता होना चाहिए। आप पर सवाल ये देखे, आप जरा ध्यान से सुने, जरा सही तरीके से काम करे। आप एक आप मैं ये दिखाना नहीं चाहता था, मैं मेडिसिन खाकर और अपना बुखार चढ़ा हुआ उठ के आया हूँ यहाँ पे। मैं दो दिन से चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे आप आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए हाजिर है। ये मेरे अपने लोग हैं, अब किसी की जिंदगी और मौत मेरे हाथ में नहीं है, और ना हमने किसी कातिल को बचाने की आज तक कोशिश की है, ना करेंगे, बल्कि हमने कातिलों को सजा दिलाने की बात की है। अगर इतने इतने दिग्गज लोग जैसे आप, अभी भी देखो, अभी भी वो पुनीत शर्मा जिसने कत्ल करवाया साथ होकर, अभी भी पुलिस से बाहर है और पुलिस उस पे जो है एक्शन लेने से कतरा रही है अभी भी, लेकिन हमारी आवाज उठा रही है। इसकी आवाज भी, इसकी भी हमने ये कहेंगे, हम अपील करेंगे कि पूरी सीट बना के और जो एसपी हेडक्वार्टर है उस सीट का इंचार्ज बने और फिर देखें। थानेदार है, उन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है आपको लगता है? करें तब्दील ऐसे एसएचओ को जिसके इलाकों में कत्ल होते हैं, क्यों ऐसे एसएचओ रहे इनकॉम्पिटेंट जिनके इलाकों में कत्ल होते हैं? उन लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। लगातार अगर पुलिस लोगों जो ऐसे अंसर हैं जो रोड खुले घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की नलकी है। और ऐसे एसएचओ हम ऑफिसर साहबान से कहेंगे, एसएसपी जम्मू से और एसपी हेडक्वार्टर है, ऊपर जो डीआईजी है, एडिशनल डीजी है, लॉ एंड ऑर्डर के एडिशनल डीजी साहब है, ऐसे एसएचओ को उनका चिन्ह लगाया जाए कि ये लोग पब्लिक के उसके लिए काबिल नहीं है। तब्दील किया जाए पूरा खाका आरएसगुड़ा का। पूरा की बात करें, पुलिस स्टेशन की आर्निया के एसपी हेडक्वार्टर अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब उनके काम से सर कोई वाकफ है, पर जो छोटे जो नीचे आगे मुलाजिम है, हमने कहा ना, उनका बड़ी आ रही है। मेरी एक बात सुने रश्मि जी, जिस एसएचओ जो इंचार्ज है जिस इलाके का, उसके ऊपर गाज गिरनी चाहिए, तभी ये पुलिस सीरीज हो गई चलेगी, वरना एसपी हेडक्वार्टर जो है वो तफ्तीशी का काम भी वही करेगा क्या, या एसएसपी वो काम करेगा, मुंशी का काम भी वही करेगा? हम कहते हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं जहां इलाकों में कत्ल होते हैं, उन लोग इलाकों के एसएचओ तब्दील होने चाहिए, क्योंकि ये उनकी नलायकी है। आज मैं आपको अभी यहां पर रहता हूं, एक कत्ल का मुकदमा और लगना है, वहां पे लोग का जो नहरें हैं उनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। अगर कोई कंप्लेंट करने जाता है, आरएसपुरा पुलिस खास तौर पे कोई एक्शन नहीं करती है वहां पे, और वो इंतजार कर रहे हैं वहां पे लोग लड़के खुद मरे। और इस मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, आप किस तरह से कदम उठाएंगे और किस मैं हम प्रोटेस्ट करेंगे अगर हमारे जो लोगों के इंसाफ नहीं होगा उनके कत्ल के साथ। हम चाहते हैं जो लोग कातिल हैं उनको सख्त सजा मिले, और थानों के अंदर जो है उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मत दी जाए, उनको एक बार तो इबरत हो जाए। 18 साल के जगदीश के पिता का ये कहना है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि जो उनके परिजनों ने बताए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने जो लोग कुछ लोग परसों तक मुझे यहाँ पर कोई है कोई साथी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बताया कि जो कातिल हैं उनके लोग इलाके में घूम रहे हैं, और पुलिस ने एक्शन करने से इनकार किया उनको उनके बताने के बावजूद भी, क्योंकि ये हाल था उस वक्त। और फिर उसके बाद अगर जब इनकी निशानदेही करो, फिर इनको मिर्ची लगती है, लेकिन लगती है तो लगे, लेकिन हम एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से और रीजन डीजी से गुहार लगाएंगे ऐसे थानेदारों की, जब तक इबरत नहीं करेंगे। आप बिश्नाह के अंदर देखें, किसी की जमीन है, मलकियत जमीन है, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और उसको मारा काटा गया। आज तक वो एक एक्स एमएलए कांता जी, उनके जवाई को मारा हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, फिर क्योंकि पुलिस जो है ज्यादा व्यस्त है माइनिंग के ऊपर। माइनिंग के ये लोग बने हुए हैं जैसे नेपाली गोरखा काम करते हैं ना माइनिंग में माफिया के लिए, ऐसे पुलिस काम कर रही है मिट्टी भरने के लिए, ट्रॉली वाले को पकड़ लेंगे, लेकिन कातिल को पकड़ने में देर लगती है। कहेंगे आरएसपुरा और अरनिया के जो स्टाफ है पूरा चेंज करने की जरूरत है। मुझे तो लगता है अगर चिट्टे की भरमार चलती है, अगर कोई और चीज होती है जहां कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, तो मैं एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर से और एडीजीपी जैन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे थानेदारों को बरतरफ कर दिया जाए। धन्यवाद। साहब तो आपने देखा कि तरनजीत सिंह टोनी बीच में इन्हें गुस्सा भी शायद हमारे सवालों से आ रहा है, आ गया है। हम इसे दुराए नहीं कि हमेशा आम जनता के साथ खड़े होते हैं, पर हमें भी मन में ये चीज हुई कि हमेशा रिप्रेजेंटेटिव या जनता के आज लेट क्यों होंगे, देर क्यों होंगे, तो शायद इन्हें हमारा सवाल अच्छा नहीं लगा तभी भड़क गए। चलिए कोई नहीं, हमारे कड़वे सवालों से तो भड़क ही जाते हैं,
जब कोई भी हो, जब सवाल हम सच्चे करते हैं, क्योंकि ये हमारा ये नहीं कहेंगे कि इंसानियत के नाते, एक पत्रकार होने के नाते नाते एक हम इंसान भी हैं, उसके साथ हम आप लोगों के बीच में से हैं, तो हमारा काम है सच को सवाल पूछना, चाहे किसी को कड़वा लगे चाहे कुछ भी लगे। यानी 3-4 दिन से हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर इन लोगों के साथ दिन रात ये बेचारे बैठे हुए हैं। हम आए 3-4 बार, हमने देखा, हमें नहीं देखा तो हमने सवाल किया, और सवाल किया वो भड़क गया, किस तरह से लिया ये उनका क्या, भाई हमारा काम है सवाल पूछना, वो हम पूछते रहेंगे, चाहे कोई डीसी हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे हमारा प्रधानमंत्री जी हो, उनसे भी सवाल करेंगे या पुलिस के आला अधिकारी हो। तो फिलहाल ये हमने आपको पूरे दृश्य बताया, इस समय जगदीश राज कल जिसकी जान चली गई और किस तरह से उसकी निर्मम हत्या की गई, हत्या ही कहेंगे क्योंकि अब जो एक 103 यानी कि बीएन भारतीय न्याय संहिता के तहत 103 यानी उसे पहले 302 था, अब 103 हम कहेंगे मर्डर का केस यानी कि हत्या का मामला दर्ज हो चुका, 2 आरोपी इसमें अरेस्ट कर लिए गए हैं। अब परिवार का 4 गांव के लोग आज एकत्रित है, इसलिए नहीं इसलिए कि आने वाले समय में किसी के साथ भी ऐसी और किसी के ऐसी घटना ना हो, किसी की इस तरह से निर्मम हत्या ना जाए, किसी माँ बाप की आंख का तारा उसे ना छीना जाए, किसी का घर ऐसे ना उजड़े जिस तरह से आज वो परिवार आज मार हो रही है, पिता का रो रो कर बुरा हालत है, वो गमजदा है, भाई का बहन देखिए पूरा परिव गाँव आज इसी गम में डूबा हो, कि आखिर क्यों ऐसे आरोपियों के हौसले बुलंद है जो इस तरह के अपराध करके जिन्हें डर भी नहीं कि हमें पुलिस का डर हो या कानून का डर हो। तो इसीलिए तंत्र को मजबूत करना होगा, खास करके आरसपुरा की पुलिस स्टेशन और अरनिया पुलिस स्टेशन, हम कहने से दुराए नहीं आएंगे, रोज हमारे पास शिकायतें आती है, यानी जो विक्टिम है जिसके साथ गलत हुआ है वो पुलिस स्टेशन में बैठा रहेगा पूरा पूरा दिन, और जो करने वाला है एक्यूज है वो घूमता रहेगा खुलेआम। तो कहीं ना कहीं डीजीपी जम्मू एडीजीपी जम्मू से हम निवेदन करते हैं इस तंत्र को सुधारिए, क्योंकि जनता का विश्वास पुलिस से उठता जा रहा है, ये ना हो कि हालात ऐसे हों कि हाथ से निकल जाए तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन और यानी कि पुलिस के तंत्र की रहेगी। तो बेटर है आप आरसपुरा और अरनिया पुलिस के जितने भी ऑफिसर उन्हें चेंज कीजिए ताकि जनता का विश्वास उन पर कायम रहे। फिलहाल एक दुख की घड़ी है, जगदीश राज अब कभी लौट कर नहीं आएंगे अपने माँ बाप के पास, अपने गांव में हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, वो भी इन चंद लोगों की गलती की क्या कहेंगे, जानबूझकर उसे जिस तरह से हत्या की गई, बकरी उनके खेत में चली गई, अरे वो जमीनें भी यही रह जानी है जिस जमीन के लिए आपने किसी के बच्चे को काट कर फेंक दिया। मैडम जी एक जगदीश राज की बात नहीं है, उसकी माता और उसकी बहन जी का भी यही हाल है, वो भी ऐसे हैं जैसे मरने वाली हैं, वो किस तरीके से जिएंगे, वो तो मरने से भी ऊपर हैं, ठीक वैसे ही मर जाते हैं। लेकिन इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ सब के लिए एक है, इंसाफ सब के लिए एक है और होना चाहिए, हम तो यही बोलेंगे। हमें एसएसपी जम्मू एसपी हेडक्वार्टर शाराथर जी पर विश्वास है, वो ऐसे लोगों पर आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जल्द उन्हें दबोचेंगे ताकि आने वाले समय में उनको ऐसी सजाएं होनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई करना तो दूर इस बात की सोचने की भी हिमाकत ना करे। आज राजनीति से परे हटकर ये सोचे कोई कि यहाँ पर आकर कोई राजनीति करेगा कि अब जिस बच्चे की जान चली गई है तो वो हम होने नहीं देंगे जनाब, हमारे सवाल कड़वे रहेंगे क्योंकि आज एक इंसानियत का दम टूटा, आज इंसानियत शर्मसार हुई। फिलहाल आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जगदीश की आत्मा के लिए ओम शांति जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।